खबर रुड़की से है, जहां एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक दरोगा एक महिला की आईडी को फर्जी बताते हुए उसके साथ आए युवक को गाली देते हुए बूथ से बाहर भगाता हुआ नजर आ रहा है। उसी पोलिंग बूथ पर मौजूद एक पोलिंग एजेंट ने बताया था कि जिस युवक के साथ उसके पोलिंग बूथ पर गाली गलौज की गई, उसके पास सही आईडी थी। इतना ही नहीं, खुद पोलिंग एजेंट को भी वोट नहीं डालने दिया गया और बाद में मतदान में भी बाधा डाली गई। रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट। एक बताता चलू, ये उनकी आईडी है और ये उनका वोट है। ये बिल्कुल जेन्युइन वोट है। सबसे पहली बात तो एक पुलिस वाले को अधिकार ही नहीं है कि वो वोट चेक करे। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग की टीम होती है, वो वोटों की चेकिंग करती है। पुलिस वाले का ये काम नहीं है। पुलिस वाले का काम है वहाँ व्यवस्था बनाना। वो व्यवस्था खुद ही बिगाड़ रहे, तो ये संदेह की स्थिति अपने आप उत्पन्न करता है। ये वो वोट है, आप बताइए मुझे ये कहाँ से फर्जी है, आप चेक करिए इसे। अगर ये फर्जी निकला तो जो सज़ा आप देंगे हम वो मानने को तैयार हैं, लेकिन ये अगर ये फर्जी नहीं निकला तो उस पुलिस वाले के लिए आप क्या सज़ा रखते हैं, या जिसको वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए करना चाहते हैं उसको क्या सज़ा आप देना चाहते हैं। आप देखिए किस तरीके से वहाँ लोगों को, बल्कि इस महिला को बिचारी को उसकी पुलिस वाले ने साथ, एक मेल पुलिस वाले ने एक महिला के साथ वहाँ पर भैया बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, उसको उसका जेन्युइन जो वोट है वो डालने नहीं दिया गया। ऊपर से उसे फर्जी बता करके उसे वोट को भी साइड में उन्होंने फेंक दिया और उसे वहाँ से भगा दिया। साथ खड़े युवक जो लाइन में लगे हुए थे उनको भी धक्का दे करके उन्होंने वहाँ से हटाया। और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हम इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे और चुनाव आयोग के साथ। वो मैं बूथ नंबर 28 का एजेंट था। 27-28 दोनों बूथ एक ही थे। ये रहा मेरा कार्ड। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से मेन जो बात है, जो एजेंट था, एजेंट का तो वहाँ से काम ही नहीं था कुछ, क्योंकि वहाँ से जो वोट गिरवा रहा था प्रशासन गिरवा रहा था, चुनाव आयोग भी नहीं गिरवा रहा था। एजेंट को तो सिर्फ एक काम कर रखा था कि आप बाहर बैठ जाइए, आपका काम बाहर बैठने का, अंदर का नहीं है। तो बाहरी पे बैठे थे, ये भी अच्छा हुआ कि चलो हम बाहर ही बैठे थे। तो प्रशासन ने 3-4 मरतबा ऐसा करा के लगी लगी लाइन ले के कई से लोगों को बदतमीजी गाली गलौज करके उन्हें भगा दिए, उनके दिलों में दहशत बिठा दी। उसके बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया। फिर भी 4 बजे करीब की बात है, 3:30-4 बजे ये टीम फिर तीसरी चौथी बार आती है और ये आईडी चेक करती है महिला की। इस टाइम तुम कुर्सी पर वहीं पर बैठे, बिरोबर में बाहरी पर बैठे थे। आईडी चेक करने के साथ दूसरी जो गाली गलौज शुरू कर दी, लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया कि भाई फिर लाठीचार्ज होगी। उसके बाद ये आईडी चेक करने के बाद बताया गया कि तुम फर्जी वोट डाल रहे हो, ये फटी हुई आईडी उनके हाथ में आ रही है। ये नहीं, ये चेक भी कर सकते, उसमें नाम नूम लिखा हुआ भी आ रहा है, क्लियर हो भी जाएगा। तो आईडी हाथ में रहे, कहने लगे फटी वोट डाल रहे हो आप यहाँ से।